मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर जी। सर, बांग्लादेश में जो स्थिति है उस पर आप क्या कहेंगे? और केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके ब्रीफ किया है बांग्लादेश की स्थिति पर और कहा है कि स्थिति ऐसी नहीं है अभी कि वहां से हमारे अपने नागरिकों को निकाला जाए। आप कितने संतुष्ट हैं सरकार के जवाब से? देखिए, पहली बात यह है कि अच्छा इनिशिएटिव रहा कि सारे पार्टी के बताए। मैं तो कई सालों से कह रहा हूं कि हमारे देश की विदेश कार्यों में कोई अलग भाजपा फॉरेन पॉलिसी या कांग्रेस फॉरेन पॉलिसी, भारतीय हित है, भारतीय देश है, भारतीय फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए और विदेश कार्यों में हम एक ही रहना चाहिए। तो ये अच्छा किया सरकार ने कि सारे पार्टी की इकट्ठी करके बात की। दूसरी बात यह है कि आपको, आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी राय है, राजनीतिक राय, और बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारी राजनीतिक राय होंगी। हम सिर्फ चाहेंगे कि हम बांग्लादेशी जनता के साथ रहें। ये भारत का सबसे प्रथम इंटरेस्ट, हम चाहते हैं कि उनके साथ रहे और उनकी हक है कि उनके भविष्य में किस किस्म की सरकार उनके लिए होना चाहिए। तो ये वहाँ जो हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है सर, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो चिंतित है, लेकिन कभी कभी ऐसे इस किस्म के पॉपुलर रेवोल्यूशन के बाद 2-3 दिन तो ऐसे एनर्जी हो सकता है। हम देखते रहना चाहिए कि अगर इससे ज़्यादा सीरियस हो जाए तो हमें बिल्कुल इस विषय पे हमें विजिलेंट रहना चाहिए। सर, विपक्ष के कुछ नेताओं ने बांग्लादेश की स्थिति की तुलना भारत से की है, इस पर आप क्या कोई जवाब देना चाहेंगे? मैं तो ऐसे नहीं कहूँगा, क्योंकि भारतीय हित जो है वो तो पूरा देश का हित है, लेकिन ये हमारी तय करने की बात नहीं है कि कौन सरकार। तानाशाही की तुलना कर रहे हैं संजय राउत, जो शिवसेना के बड़े नेता हैं, उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में किसी और के कमेंट पे टिप्पणी मत मांगिए। शुक्रिया। और शशि थरूर जी एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश की जनता के बीच ये संदेश जाए कि भारत उनके साथ खड़ा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.